जैसे राम दोस्तों, ये देखिए हमारे पास रैपिट्रॉन का एक चार्जर है, जो कि इसका कंडीशन देखिए आप। हालांकि ये रिपेयर हो चुका है, हमारे पास बहुत पहले बना था, अब 1.5 साल बाद आ रहा है, ये रिपेयर हो चुका है। हमने इसको रिपेयर कर दिया, बस इस पर वीडियो बनाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रिले रहता है, रिले को हमने हटा दिया, और यहाँ पर 6 एम्पियर का 4 डायोड लगा हुआ है। और इसमें जो एम टी हमने यूज़ किया था, इससे पहले जो काम हुआ था MT इसका ख़राब था। MT जो यूज़ किया है एक्जोम चार्जर का MT है। और देखिए यहाँ पर एम्पियर के लिए काम किया, और इसमें देखिए हमारा फॉल्ट क्या था। इसमें अधिकतर फॉल्ट ये था कि हमारा ये जितना प्रिंट है ना, सारा प्रिंट खराब हो गया था। इसमें चला गया था आगे की साइड पानी, पूरा इसका ये पूरा जंग खा गया था, और इधर से पूरा प्रिंट ख़त्म हो गया था। देखिए यहाँ पर कटा हुआ दिखेगा प्रिंट, तो ये सब प्रिंट हमने यहाँ पर बनाया था पहले ही, और इधर अभी कुछ कुछ प्रेस किया, और इसमें 12 वोल्ट का सेक्शन में दिक्कत आ रहा था। ठीक है, तो 12 वोल्ट का सेक्शन यहाँ पर रिपेयर किया, और यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट से जो डायोड रहता है हमारा 4007 नहीं रहता है, यहाँ पर 4004 रहता है, जो कि शॉर्ट के डायोड रहता है, तो वो यूज़ करिएगा तभी आपका 12 वोल्ट बनेगा इसमें। नहीं तो 4007 लगाइए या 5408, थोड़ी देर के बाद वो जल जाएगा। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया था हमने 548। इस चार्जर में दिक्कत ये आ रहा था कि ये चार्जर हमारा कभी ऑन हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरा अगर ऑन होता था तो हमारा एम्पियर जो है फ्लक्चुएट करता था, अप एंड डाउन होता था। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि जैसे ये चार्जर हमारा 35-35 IC काम करना शुरू करता था, यहाँ से हमारा 12 वोल्ट ड्रॉप करके 7-8 वोल्ट हो जाता था, जिसकी वजह से ये सही से फंक्शन नहीं कर पाता था। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगाया है, तो ये हमारा 12 वोल्ट प्रॉपर हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो हमने क्या क्या काम किया, यहाँ से एक 1K का रेजिस्टेंस रहता है 2 वाट में, जो कि यहाँ से सप्लाई गया है यहाँ पर, तो 2 वाट में नहीं था हमारे पास, क्वार्टर में था, क्वार्टर में लगा दिए, और इसका 12 वोल्ट भी ड्रॉप कर रहा था, तो इसका प्रिंट प्रिंट की वजह से ड्रॉप कर रहा था, तो हमने प्रिंट को क्लियर किया, और ये हमारा सेट ओके हो गया। हम इसको चेक करके बताते हैं आपको। देखिए इसमें DC हम देंगे तो ये हमारा जो लाइट रहता है वो ब्लिंक करेगा, अगर DC सेंस करेगा तब। देखिए यहाँ पर हमारा ये एम्पियर भी उठा लिया, यहाँ पर जो BD140 रहता है हमने उसको निकाल दिया है। ठीक, क्योंकि इसको कम बजट में बनाना था, इसलिए BD140 को हमने डायरेक्ट कर दिया। बस ये रहे कि हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा पंखा चलते रहेगा। ये देखिए चार्जर पूरा ओके हो गया है।